कि 3 लोकसभा सीट में से बीजेपी कांग्रेस एक एक पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना फिलहाल आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भी कांग्रेस आगे चलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोकसभा सीट में से बीजेपी कांग्रेस एक एक पर फिलहाल अभी आगे है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां से खंडवा लोकसभा सीट से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस पीछे चल रही है। और अगर बात की जाए दादर और नगर हवेली की तो वहां पर शिवसेना की बढ़त बढ़ती हुई नजर आई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का डंका दिखाई दे रहा है। तो देखिए आज लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर मतगणना फिलहाल अभी जारी है, इसके परिणाम आज घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी 13 राज्यों में मतगणना हो रही है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को इन 13 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, जहां जहां सीट खाली थी वहां पर चुनाव कराए गए थे और आज उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और इसी को लेकर मतगणना फिलहाल जारी है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।